नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। शुरुआत करते हैं देश की टॉप 10 खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए ओडिशा दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में हुआ हंगामा, कांग्रेस ने फिर अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार पर किया वार। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अडानी को लेकर जमकर किया हंगामा। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर हुई स्थगित। आपको बता दें 2 दिसंबर तक के लिए उच्च सदन की शीतकालीन सत्र को किया गया स्थगित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर महायुति की मुंबई में होगी बैठक। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 2 ऑब्जर्वर 1 दिसंबर को जाएंगे मुंबई, साथ ही विधायक दल की बैठक में भी होंगे शामिल। संभल के शाही जामा मस्जिद में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन हुई सतर्क। जुमे की नमाज के लिए की गई उत्तम सुरक्षा व्यवस्था। 20 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की निगरानी के साथ पुलिस ने भीड़ को किया नियंत्रित। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावों को लेकर बीजेपी, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी पर उठाए सवाल। गहलोत ने कहा कि 15 अगस्त 1947 तक बने धार्मिक संस्थान जिस स्थिति में है वे उसी में रहेंगे, यह कानून बना हुआ है, उन पर सवाल उठाना गलत। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान भड़की आग, महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग हुए घायल। 12 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 13 दिनों तक बंद रहने के बाद इम्फाल और जिरीबाम में फिर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। एजुकेशन डायरेक्टरेट ने प्रभावित जिलों के सरकारी, निजी और सेंट्रल स्कूलों में कक्षाएं शुरू करने के दिए दिशा निर्देश। आपको बता दें इलाके में हुई गोलाबारी के बाद 16 नवंबर से बंद थे सभी संस्थान। ईडी ने पॉर्न रैकेट केस में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के घर और ऑफिस पर की छापेमारी। बता दें कि पॉर्नोग्राफी से जुड़ा ये मामला 2021 के केस पर आधारित है। देश के उत्तरी राज्यों समेत मध्य भारत के राज्यों में भी ठंड का असर लगातार जारी। मौसम विभाग ने 8 राज्यों में घने कोहरे का दिया अलर्ट। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी।